जिले के कन्नौद में मुस्लिम समाज द्वारा निकाले गए शांति मार्च में असामाजिक तत्वों द्वारा विवादित नारे लगाने पर आक्रोशित संघ ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल झारखंड के तबरेज नामक युवक की हत्या के विरोध में नगर कन्नौद में मुस्लिम समुदाय के द्वारा 5 जुलाई के दिन नगर में रैली निकाली गई थी। इस रैली के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों पर नगर में शांति भंग करने के लिए आरएसएस और उसके अनुषांगिक संगठनों के विरुद्ध आपत्तिजनक नारेबाजी करने का आरोप है। इसी कड़ी में संघ द्वारा विशाल रैली का आयोजन कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और जमकर नारेबाजी की। कल नगर कन्नौद में मुस्लिम समाज के द्वारा रैली निकालकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। चड्डी टोपी वालों को गोली मारो सालों को, इस प्रकार के नारे लगाए गए जो कि बहुत ही निंदनीय है और उससे पूरे हिंदू समाज में आक्रोश है और उसी के कारण आज स्वतः हिंदू समाज सड़क पर उतरा है और प्रशासन को इस रैली के माध्यम से, जुलूस के माध्यम से अवगत कराने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस प्रकार की घटना है, उस पर तुरंत एक्शन ली जाए क्योंकि यह शुरुआत है और निश्चित रूप से लंबे समय से देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश का वातावरण सुनियोजित ढंग से खराब करने का काम किया जा रहा है। घटना कहीं पे भी घटित होती है और उसको नगर में जोड़ के देखा जाता है। मेरा प्रशासन के माध्यम से यह निवेदन है कि इस प्रकार के किसी भी जुलूसों को परमिशन देने से पहले जो लोग हैं उन रिस्पांसिबल लोगों को बुलाकर उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय और बहुत अपमानजनक घटना है, इसको हिंदू समाज कतई सहन नहीं करेगा। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर मामला पंजीबद्ध किया है। ये कल दिनांक 5 तारीख को मुस्लिम समुदाय द्वारा झारखंड में तबरेज अंसारी हत्याकांड के विरोध में एक रैली निकाली, ज्ञापन दिया था एसडीएम साहब को। उस रैली के दौरान कुछ रैली में शामिल लोगों ने कुछ नारे लगाए थे आपत्तिजनक, चड्डी टोपी वालों को गोली मारो साधो को, इस तरीके से। तो उसी के तो कार्रवाई कराने के लिए आज मंडल अध्यक्ष राधेश्याम जाट ने एक आवेदन पत्र दिया। उस आवेदन पत्र के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धारा 153-505 IPC का प्रकरण पंजीकृत किया है और फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करके गिरफ्तार किया जाएगा। कुल मिलाकर शहर की शांति में खलल डालने वालों के विरोध भारी संख्या में खातेगांव, कन्नौद, काटाफोड़, सतवास, पानीगांव, लोहरदा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस विशाल रैली में पहुंचे। बहरहाल पुलिस अज्ञात आरोपियों की पड़ताल में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, देवास।